बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिंगर प्रेजेंट्स जुगन किचन। आज जुगन के किचन में दो बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स बन रही हैं और ये दोनों ड्रिंक्स जो हैं इफ्तार के वक्त भी कंज्यूम की जा सकती हैं और सहरी के वक्त भी। एक्चुअली रमज़ान मुबारक में जब इंसान रोज़ा रखने लगता है या रोज़ा खोल रहा होता है तो बहुत ज़्यादा आपको प्यास लग रही होती है और आप वो चीज़ें कंज्यूम करना चाहते हैं जो न्यूट्रिशियस हों। तो आज हम सिंगर के ब्लेंडर के अंदर आपको बनाना सिखाएंगे दो बहुत ही सिंपल रेसिपीज। सो लेट्स गो टूवर्ड्स आवर फर्स्ट रेसिपी। जैसे कि आप लोगों के साथ वादा किया है, आज दो रेसिपीज हम बनाएंगे, दो ड्रिंक्स बनाएंगे। एक तो बनाना एंड स्ट्रॉबेरी स्मूदी एंड उसके साथ साथ मैं आपको पाइन एप्पल एंड ऑरेंज ड्रिंक बनाना सिखाऊंगी। दोनों बहुत ही इजी क्विक रेसिपीज़ हैं और अगर आपके पास सिंगर का ब्लेंडर हो तो फिर तो कोई इश्यू है ही नहीं। एंड ऑफ कोर्स इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट अप्लायंस का काम आता है और वो है हमारा सिंगर का रेफ्रिजरेटर। इसके फ्रीज़र के अंदर मैंने पहले से बनानास एंड स्ट्रॉबेरीज जो है वो रख दिए। होता ये है कि हम बड़ी दफ़ा बर्फ़ का जब इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं किसी भी स्मूदी या किसी भी शेक में तो वो थोड़ा सा वाटर डाउन हो जाता है। तो अगर आप अपने फ्रूट को फ्रीज़र में रखते हैं एक डेढ़ घंटे के लिए तो वो बहुत ठंडा हो जाता है एंड ऑलमोस्ट आइस क्यूब का रोल अदा करता है। एंड सिंगर के फ्रीज़र की तो वैसे ही आपको बहुत अच्छी फीडबैक मिलेगी जब आप उसको ट्राई करेंगे। अच्छा, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रेसिपी। इसके अंदर लाइक आई सेड इट्स बनाना एंड स्ट्रॉबेरी स्मूदी, तो इसमें बनानास, स्ट्रॉबेरीज एंड स्मूदी की बेस, हर स्मूदी की बेस जो है वो योगर्ट होती है यानी कि दही, एंड उसके साथ साथ चीनी आप डाल सकते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ शहद, हनी। सो एंड दैट्स इट। और अगर बहुत ज़्यादा थिक हो रही हो आपकी रेसिपी तो उसके अंदर आपने थोड़ा सा दूध डालना है। बहुत ही न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी रेसिपी। सो हमने बनानास डाले, वी पुट इन अ फ्यू स्ट्रॉबेरीज, आई एम गोना पुट इन अबाउट 6 स्ट्रॉबेरीज एंड मेरे बच्चों को ज़रा ज़्यादा मीठी चीज़ें पसंद हैं इस वजह से मैं हनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, अबाउट 1 टेबल स्पून ऑफ हनी। अच्छा, जितना मैं अभी बना रही हूँ उससे आपको अबाउट 2 to 3 ग्लासेस आपके बन जाएंगे। इसमें अब हम योगर्ट डालेंगे, दही डालेंगे एंड यू सी इट्स अ रियली, वो जो कहते हैं ना ऑलमोस्ट अ नो मेस रेसिपी, बिकॉज सारा कुछ आपने सिंगर के ब्लेंडर में डाला, उसको ब्लेंड कर दिया, ग्लास में डाला एंड यू आर गुड टू गो। एंड आई नो कि ये थोड़ा सा थिक होगा इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा दूध का इस्तेमाल करूँगी एंड देयर वी गो। अब हम इसको क्लोज करेंगे और हम इसको ब्लेंड करेंगे एंड वी आर गोइंग टू बी गुड टू गो। देयर यू गो, विद इन अ फ्यू मिनट्स आपकी बहुत ही डिलीशियस बनाना एंड स्ट्रॉबेरी स्मूदी तैयार हो गई। अब ये तो हमारी एक ड्रिंक तैयार हो गई, दूसरी ड्रिंक भी तैयार करूँगी एंड देन आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी ड्रिंक्स की भी, क्योंकि ऑब्वियसली फाइनल लुक बहुत ज़्यादा मैटर करती है एंड आई थिंक ऑल द लेडीज आउट देयर विल अग्री विथ मी। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर आवर नेक्स्ट रेसिपी। हमारी सेकेंड रेसिपी जो है वो बहुत ही सिंपल है, मतलब पिछली रेसिपी से भी ज़्यादा सिंपल है। इसमें बेसिकली हमने ऑरेंजेस डालने हैं, फ्रेश ऑरेंजेस, ऑरेंज जूस और पाइनएप्पल। ये टिंट पाइनएप्पल है, फ्रेश पाइनएप्पल मिल जाए तो क्या ही बात है, और थोड़ा सा नमक। अब ज़रूरी तो नहीं है कि गर्मियाँ हो और इफ्तारी का वक्त हो और हम कोई मतलब नींबू पानी टाइप चीज़ ही पिए। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिट्रस के ट्विस्ट वाली ड्रिंक है और बहुत ही रिफ्रेशिंग है। अच्छा, मैं करूँगी ये कि मैं अपने जो दोनों ग्लासेस हैं ना इनके ऊपर पाइनएप्पल जो है वो इस तरह करके थोड़ा सा कट करके इनको फ्रीज़र में रख दूँगी। होगा ये कि हमारे ग्लासेस जो है वो ठंडे हो जाएंगे। सो मैं अपने सिंगर के रेफ्रिजरेटर के अंदर इन द फ्रीज़र अपने दोनों ग्लासेस रखने लगी हूँ ताकि वो अच्छा सा ठंडा हो जाए। तब तक लिटरली दिस इज़ अ झटपट रेसिपी एंड यू डोंट इवन नीड टू
मतलब ऐसा था आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने अपने पाइनएप्पल के चंक्स डाले। अच्छा, पाइनएप्पल के चंक्स के साथ अगर आपको ज़रा ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप थोड़ा सा उसका सिरप भी डाल सकते हैं पाइनएप्पल का। वैसे तो मेरी रिकमेंडेशन यही होती है कि ज़्यादा चीनी जो है उसको हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। ऑरेंजेस, इसमें से हमने सारे बीज वगैरह निकाल दिए हैं। एंड देन ऑफकोर्स वी आर गोना पुट सम जूस। यू कैन पुट फ्रेश जूस ऑल्सो। इफ़ यू डोंट हैव फ्रेश जूस यू कैन पुट डब्बे का जूस। अच्छा, इसके अंदर ना मैं थोड़ा इतना को 1/4 स्पून जो है वो नमक का डाल रही हूँ, टीस्पून, जो बिल्कुल छोटा वाला टीस्पून होता है। अब हम अपने सिंगर के इस ब्लेंडर को लेंगे, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे और हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर देंगे। एंड आई कांट टेल यू हाउ डिलिशियस दिस रेसिपी इज। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत सी रेसिपी है। और ऑफ कोर्स मैंने अपने जो फ्रीज़र में ग्लासेस रखे हैं उनको भी बाहर निकाल लूँगी, उसी के अंदर पोर कर दूँगी। एंड देन ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू शो यू माय फाइनल ड्रिंक। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी डिलिशियस ऑरेंज एंड पाइनएप्पल ड्रिंक। तो ये हो गई हमारी दो बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स। वी गॉट आर स्ट्रॉबेरी एंड बनाना स्मूदी एंड आर पाइनएप्पल एंड ऑरेंज ड्रिंक। तो ये हमने बनाई है अपने सिंगर के ब्लेंडर में। एंड आई थिंक आप इसे डेफिनेटली इंजॉय करेंगे। और इसको बहुत ही अच्छी और मज़े की चिल लुक हमने दी है अपने सिंगर के इस रेफ्रिजरेटर के फ्रीज़र में डाल के। सो आई होप कि आप हमारी इन दोनों ड्रिंक्स की रेसिपीज़ को ट्राई करेंगे और अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर करेंगे। ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।